स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर अजीत खान सर जी, जिनका रियल नेम हामिद अली खान है, इन्होंने ज़्यादातर मूवीज में निगेटिव रोल्स किए हैं। व्यूअर्स इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज़ रही हैं मुगले आजम, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। व्यूअर्स इनकी नया दौर, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। और प्रतिज्ञा इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। व्यूअर्स इनकी सबसे पहली डेब्यू मूवी आई थी सन 1945 में कुरुक्षेत्र। इसमें केएल सहगल, राधा रानी, अजीत खान लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1949 में, जिसका नाम था पतंगा। इसमें निगार सुल्ताना, याकूब खान, अजीत खान लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली 1950 में आई थी बेकसूर। इसमें मधुबाला, याकूब खान और अजीत खान लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। अगली 1951 में आई थी सैया। इसमें मधुबाला, अजीत खान सज्जन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में 1951 में ढोलक। इसमें मीना शाह और अजीत खान मोहन कृष्णा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस सुपर हिट साबित हुई। अगली मूवी 1951 में आई थी दामन। इसमें निगार सुल्ताना, अजीत खान प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1952 में आई थी आनंद मठ। इसमें पृथ्वीराज कपूर, गीता बाली, अजीत खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1952 में आई थी मोती महल। इसमें अजीत खान, सुरैया और जीवनधर लीड कास्ट में थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली 1954 में आई थी सम्राट। इसमें रेहाना, अजीत खान और सप्रू लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1954 में आई थी नास्तिक। इसमें नलिनी जयंत, अजीत खान और उल्हास लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1955 में आई थी तीरंदाज। इसमें मधुबाला, अजीत खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बारादरी। इसमें अजीत खान, गीता बाली, गोपी और प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली 1955 में आई थी आज की बात। इसमें अजीत खान, चित्रा, विपिन गुप्ता लीड कास्ट में देखने को मिले। व्यूअर्स अगली मूवी आई थी 1956 में हलाकू। इसमें अजीत खान, मीना कुमारी, हेलन और प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1956 में आई थी आन बान। इसमें नलिनी जयंत, अजीत खान प्राण लीड कास्ट में थे। व्यूअर्स अगली मूवी आई थी इनकी 1956 में ही 26 जनवरी। इसमें अजीत खान, नलिनी जयंत और जॉनी वॉकर लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली 1957 में आई थी नया दौर। इसमें दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत खान, जीवनधर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1957 में आई थी बड़ा भाई। इसमें अजीत खान, कामिनी कौशल, अमिता लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी कितना बदल गया इंसान। इसमें सरोज खान, अजीत खान, नलिनी जयंत थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मिस बॉम्बे। इसमें नलिनी जयंत, अजीत खान और रहमान लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली 1958 में आई थी मेहंदी। इसमें अजीत खान, जयश्री, ललिता पवार लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी व्यूअर्स 1959 में चार दिल चार राहें। इसमें राज कपूर, शम्मी कपूर, मीना कुमारी, अजीत खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी गेस्ट हाउस। इसमें अजीत खान, शकीला, प्राण लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1960 में आई थी मुगले आजम। इसमें दिलीप कुमार, मधुबाला, अजीत खान, पृथ्वीराज कपूर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1960 में आई थी बारात। इसमें अजीत खान, शकीला और प्रतिमा देवी लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली 1961 में आई थी ओपेरा हाउस। इसमें अजीत खान, सरोजा देवी, ललिता पवार के अनसीन थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1962 में आई थी गर्ल्स हॉस्टल। इसमें अजीत खान, नलिनी जयंत और जॉनी वॉकर लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1962 में आई थी टावर हाउस। इसमें अजीत खान, नाजिमा और शकीला देवी लीड कास्ट में थे। अगली 1963 में आई थी काबली खान। इसमें अजीत खान, हेलन, मुकरी और सलीम खान लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी शिकारी। इसमें अजीत खान, रागिनी, किरण सिंह मदनपुरी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1965 में आई थी नमस्ते जी। इसमें अजीत खान, अमिता और महमूद थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1965 में आई थी मैं हूँ अल्लादीन। इसमें अजीत खान, सईदा खान लीड कास्ट में थे। अगली 1966 में आई थी सूरज। इसमें राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, मुमताज और अजीत खान लीड कास्ट में थे। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली 1962 में आई थी नीली आँखें।
इसमें अजीत खान, शकीला और जॉनी वॉकर लीड कास्ट में थे। अगली में 1959 में आई थी माँ के आंसू, इसमें अजीत खान, नली जयंता, ललिता पवार थे। अगली में 1960 में आई थी दिल्ली जंक्शन, इसमें अजीत खान, शकीला, निशी, कोहली और प्राण लीड कास्ट में देखने को मिले। अगले में 1967 में आई थी बगदाद की रातें, इसमें अजीत खान, बेला बोस और मुमताज लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली में 1968 में आई थी राजा और रंक, इसमें संजीव कुमार, कुमकुम, निरूपा राय, अजीत खान, महेश कोठारी थे। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली में 1969 में आई थी प्रिंस, इसमें शम्मी कपूर, वैजयंती माला, अजीत खान, राजेंद्र नाथ थे। इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी आदमी और इंसान, इसमें धर्मेंद्र, सारा बानो, फिरोज खान, मुमताज, अजीज खान थे। ये मूवी बवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1969 में नन्हा फरिश्ता, इसमें अजीत खान, पद्मिनी, बलराज साहनी, प्राण, जॉनी वाकर थे। अगली 1970 में आई थी धरती, इसमें राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, कामिनी कौशल, अजीत खान, बलराज साहनी थे। ये मूवी ब्लोवरेज रही। अगली 1970 में आई थी हीर रांझा, इसमें राजकुमार, प्रिया राजवंश, बीना जयंत और अजीत खान, प्राण लीड कास्ट में थी। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली 1970 में आई थी जीवन रत्न, इसमें धर्मेंद्र, राखी गुलजार, अजीत खान, जीवन धर थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली 1971 में आई थी पराया धन, इसमें हेमा मालिनी, अतुला सचदेव, बलराज साहनी, अजीत थे। ये मूवी ब्लोवरेज रही। अगली 1971 में थी लाल पत्थर, इसमें राजकुमार, हेमा मालिनी, राखी, विनोद मेहरा, अजीत थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1971 में आई थी अंदाज, इसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, सिमी ग्रेवाल, शम्मी कपूर, अजीत थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली 1971 में आई थी पतंगा, इसमें शशि कपूर, विमी, परवीन पाउल, अजीत खान, राजेंद्र नाथ थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1972 में आई थी दिल का राजा, इसमें राजकुमार, वहीदा रहमान, लीना चंदावरकर, बिंदु, अजीत थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1972 में आई थी सुल्ताना डाकू, इसमें दारा सिंह, अजीत खान, हेलन लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1973 में जंजीर, इसमें अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, प्राण, अजीत खान, ओम प्रकाश लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी यादों की बारात, इसमें धर्मेंद्र, अजीत खान, जीना तमान, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा थे। ये मूवी सुपरहिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी शरीफ बदमाश, इसमें देवानंद, हेमा मालिनी, अजीत खान, जीवन धर लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी कहानी किस्मत की, इसमें धर्मेंद्र, रेखा, राजेंद्र नाथ, अजीत खान थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जुगनू, इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अजीत खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1973 में आई थी धर्मा, इसमें प्राण, रेखा, नवीन निश्चल, अजीत खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी छुपा रुस्तम, इसमें देवानंद, हेमा मालिनी, अजीत खान, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बंधे हाथ, इसमें अमिताभ बच्चन, मुमताज, अजीत खान, ओपी रहलान लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1974 में आई थी पत्थर और पायल, इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, अजीत खान थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी पाप और पुण्य, इसमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, असरानी, अजीत खान लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली 1974 में आई थी खोटे सिक्के, इसमें फिरोज खान, रेहाना सुल्तान, डैनी डेजनपा, अजीत खान, रंजीत थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली 1974 में आई थी बदला, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी, जॉनी वाकर, अजीत खान थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली 1975 में आई थी वारंट, इसमें देवानंद, जीना तमान, अजीत खान, प्राण लीड कास्ट में थी। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी प्रतिज्ञा, इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जगदीप और अजीत खान लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1975 में आई थी दो झूठ, इसमें विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, प्रेम चोपड़ा, अजीत खान, प्राण थे। ये मूवी अगली 1976 में आई थी संग्राम, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, डैनी डेजनपा थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1976 में आई थी कालीचरण, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, प्रेमनाथ, अजीत और डैनी थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली 1976 में आई थी चरस, इसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अरुणा ईरानी, अजीत खान, अमजद खान थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली 1976 में आई थी जाने मन, इसमें देवानंद, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, अजीत खान लीड कास्ट में थे। ये मूवी ब्लोवरेज रही। तो व्यूवर्स, ये 1945 से 1976 तक अजीत खान की एक्टिंग बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम सेकेंड कम्प्लीट पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो व्यूवर्स, अजीत खान की एक्टिंग बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या किस एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो।
वॉचिंग।